का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा।